एवरीबडी, नाउ वी आर इन नेक्स्ट पॉइंट. यहाँ मेरी आवाज़ आपको क्लियर नहीं आएगी बिकॉज द वॉइस ऑफ नेचर, द वॉइस ऑफ दिस फॉल, इट्स ऑसम. और मैं चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ दब जाए बिकॉज ये आवाज़ हमें सुननी चाहिए. दिस इज द वॉइस ऑफ नेचर, कल कल की ध्वनि, जिसको कहते हैं कल कल की ध्वनि, जैसे लग रहा है दूध की नदी बह रही हो. वाह, ये है दार्जिलिंग का एक सी पॉइंट जिसको हम रॉक गार्डन कहते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बना हुआ है. ये है हमारे हाथी और पूरी तरह से ग्रीनरी हर तरफ. ये लेके चलती हूँ मैं आपको कि अब इसके आगे क्या होगा, मतलब कौन कौन से पॉइंट्स और हम इसमें देख सकते हैं. सो दिस इज नंबर वन. इसका पानी ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ. पानी कहाँ से आ रहा है कुछ पता नहीं. इसका छोर क्या है, मुख कहाँ है, वी डोंट नो. लेकिन जो एक प्रॉब्लम है वो यही है कि लोग इस चीज़ को नहीं समझते. आज भी वहाँ कचरा पड़ा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक के डिब्बे और क्या तो क्या, ये गंदगी कर रहे हैं. ये हमें अवॉइड करना चाहिए. इट्स नॉट, वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग नेचर मदर. नेचर इज आवर मदर. वी कैन नॉट थ्रो दिस टाइप ऑफ थिंग ऑन हर. ये पॉइंट है यहाँ से ऊपर की तरफ, यहाँ छोटे छोटे से बने भी हुए हैं. ऊपर की तरफ चलती हूँ मैं भैया को देती हूँ, वो बनाएंगे इसको. आप ऐसे फोल्ड कर लीजिए. तो जो हमारे रॉक गार्डन था जिसमें हमने छतने देखे और आवाज़ें आपने सुनी, डस्टबिन बने हुए हैं लाइक दिस. आप यहाँ देखते हैं यहाँ लिखा हुआ है यू कैन यूज मी रादर देन यूजिंग दिस डस्टबिन, वी आर थ्रोइंग गार्बेज ऑन नियर टू द नेचर. जूलॉजिकल पार्क तो आते रहते पाए रहते खाने लगे. यहाँ से देखते हैं तो दूर तक, बहुत दूर तक ये जो वादियाँ हैं, ऊपर देखिए वो साइड में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा. हम चढ़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे हैं जो साउंड ऑफ वाटर है वो कम होता जा रहा है. बट रियली इट्स ऑसम, ऑसम फीलिंग. कुछ समय नेचर के साथ बिता के देखो, दिल खुश हो जाता है. और जो तलाश है ना हमें, हम कहते हैं बहुत परेशान हैं, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसको जो कहना है कहे. आप अपने दिल की सुनो, और दिल की तब तक नहीं सुन सकते जब तक आप उसे फील नहीं करते. तो चलते हैं और मैं ले लेती हूँ और भैया से भी पूछती हूँ क्या कैसा फीलिंग कैसी है. बहुत अच्छी है, बहुत प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ की जो हरी भरी वादियाँ हैं वो मन मोहने वाली हैं. हाँ. और बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करने वाली हैं और मन की जितनी भी तनाव है, जितनी भी चिंताएं हैं वो यहाँ आके बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं और आदमी का मन बिल्कुल खुश हो जाता है और एक स्फूर्ति और नई ऊर्जा उसके अंदर ऊर्जा का संचार हो जाता है. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा. और अगर मैं थोड़ा ये देखिए, ये है चकोतरा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दिस इज चकोतरा. इट्स अ ब्रीड ऑफ संतरे की ब्रीड है, ऑरेंज ब्रीड है, लेकिन पहाड़ों पर ही ये उगता है. मैंने ऋषिकेश के आसपास इसको देखा था. अगर इसको ओपन करेंगे तो इट्स जस्ट लाइक अ संतरा और दिस इज संतरा, दिस इज ऑरेंज. और हाँ यस, आप देखिए स्टॉप भी बना हुआ है हर जगह. लेडीज आर जस्ट वर्किंग टू क्लीन दिस. ये दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लीन आवर नेचर. नॉट ओनली क्लीन आवर नेचर डजंट मीन दैट वी आर जस्ट कटिंग द फ्लावर एंड ऑल, नो. इट मीन्स दैट वी शुड रिस्पेक्ट. देखिए यहाँ ऊपर से बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर लग रहा है. इट्स ऑसम.
कोविड प्रोटोकॉल के तहत लोग सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ नहीं मेंटेन कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, मैंने भी वीडियो बनाने के लिए अपना मास्क निकाल दिया, बट आई हैव टू पुट द मास्क अगेन। भीड़ बहुत है और मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा कैसे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। सो गाइस, बहुत ऊपर तक लोग हैं, मैं यहीं से आपको साइनिंग ऑफ करती हूँ, जिस उम्मीद के साथ कि नेचर को हम बचाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, और इन वादियों में एक बार ज़रूर आओ, बहुत ही ब्यूटीफुल वादियाँ हैं।